अस्सलामु अलैकुम मेरे YouTube मेंबर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चने। चने बनाने के लिए ये जो मैं इसमें चीज़ें ऐड करूँगी, ये मैंने चने लिए हैं। पहले मैंने ये रात को भिगो दिए थे, मतलब 6 से 7 घंटे के लिए भिगोए हैं मैंने। और ये है मेरे पास प्याज, मैंने मोटे मोटे चॉप कर लिए हैं। ये है साबुत मेरे पास गार्लिक है। और ये टमाटर थे 3 मेरे पास, मैंने ये इसको तोड़ लिया है, मतलब ये फ्रीज़ किए हुए थे इसलिए मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं। ये है मेरे पास पानी और ये है हमारे पास स्पाइसेस। मैं इनको कुकर में बनाऊंगी। ये देखें, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चने हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद ये मैं प्याज भी इसमें डाल दूंगी। सारी चीज़ें हमने इकट्ठे डाल के इसको पकने के लिए रखना है। इसके बाद ये मैं इसमें ये गार्लिक और टोमेटोज ये भी डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह, ये फ्रीज़ किए हुए थे इसलिए चिपक रहे हैं। अच्छा, इसके बाद मैं इसमें अब थोड़ी सी डालूँगी लाल मिर्च, ये मैं 1 चम्मच डालूँगी भर के, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब मैं ये 1/2 टेबल स्पून नमक डालूँगी, ये बाद में चेक करके और डाल सकते हैं हम। ये 1/2 टेबल स्पून के करीब ही हल्दी डालूँगी इसमें, और ये साबुत ज़ीरा है थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून, और ये पीसा हुआ गरम मसाला है। बस इतने स्पाइसेस हमने इसमें ऐड करने हैं। अब इसके बाद हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि जिससे ये गल जाएंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये हमने इसमें पानी डाल दिया। अब मैं इसको बंद करके 20 मिनट के लिए प्रेशर पे रखूँगी। पहले मैं इसको तेज़ आग पे रखूँगी। बिस्मिल्लाह, ये देखिए तेज़ आग पे पहले मैं इसको रखूँगी, फिर जब ये चलने लग पड़ेगी इसकी सीटी तो फिर इसकी फ्लेम मैं थोड़ी सी नॉर्मल कर दूँगी, स्लो कर दूँगी। इसी प्रोसेस में इसको 15 से 20 मिनट लगेंगे आपके, हो सकता है कम या ज़्यादा वक्त लगे, पानी का भी फ़र्क होता है और टाइमिंग का भी इसमें, के आपके कुकर में कितना टाइम लगता है। इसके बाद जब ये हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। टाइम पूरा हो गया है, अब मैं इसको ये खुले बर्तन में पलट लूँगी, इसे भुनाई में आसानी होती है। ये देखिए, ये मैंने इनको खुले बर्तन में पलट लिया है, अच्छे से गल गए हैं ये। ये देखिए, इनका पानी भी ड्राई हो गया है, पानी मैंने उतना ही डाला था। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे, अगर आप ऑयल यूज़ करते हैं तो ऑयल डाल लें, घी यूज़ करते हैं तो घी डाल लें, कोई कम डालते हैं कोई ज़्यादा, जितनी आपकी मर्ज़ी हो। ये देखिए, अब हम इनकी अच्छे से भुनाई करेंगे। ये देखिए, जैसे जैसे भून रहे हैं, जैसे जैसे भुनाई हो गई है चनों की। अब हमें जितनी ग्रेवी चाहिए हम उतना उसमें पानी ऐड कर देंगे। कुछ लोग ज़्यादा शोरबा पसंद करते हैं वो उतना ज़्यादा डाल लें, लेकिन कुछ लोग जो है कम यूज़ करते हैं शोरबा, ये मैं इसमें तकरीबन इतना डालूँगी। ये गाढ़ा, अच्छा खासा गाढ़ा हो जाएगा बाद में जब ये पक जाएगा। ये देखिए, ऐसे डाल के तो इसको दरमियानी आंच पे हम पकने के लिए रख देंगे, फिर ये पक जाएगा अच्छे से तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखें, ये हमारे चने बहुत अच्छे तैयार हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने इसमें धनिया डाल दिया थोड़ा सा, हो तो आप डाल लें, ना हो तो कोई बात नहीं, कई लोगों को ज़्यादा पसंद है तो वो डाल लें। इसके बाद अब मैं थोड़ा सा गर्म मसाला इसमें बाद में ऊपर से डाल दूँगी, और पिसा हुआ ही ज़ीरा थोड़ा सा इसमें डालूँगी बाद में, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और इसके अलावा कोई मसाले नहीं हमने इसमें ऐड करने, ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत मज़े का बनता है। आप ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि आपके कैसे बने हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।